हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो हमारे मनीष ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, अभी लाइब्रेरी से हम आ रहे हैं, रात हो गई है, 9 बजने वाले हैं। तो आज 2 दिन से ब्लॉग नहीं बना रहे हैं, तबीयत थोड़ा सही नहीं है, इस वजह से नहीं बना पा रहे हैं। तो आज ऐसे सोचे एक छोटा सा ब्लॉग बना के डाल दें आप लोगों के लिए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, हम रूम पे आ गए हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है। अभी देखिए सब ऐसे हैं, अभी खाना बनाना है। आज आटा भी नहीं है, तो अभी आटा आएगा तब बनाएंगे। तब तक यहाँ केला रखा है, किसी को खाना हो तो खा लीजिए, अगर भूख लग गई हो तो। खाना अभी बनेगा, देखिए क्या बनता है। अभी कुछ पता नहीं क्या बनेगा। तो आप लोगों ने जैसे प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, इसी प्रकार से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोगों का प्यार ही हमें यहाँ तक ले आया है। हम कभी नहीं सोचे थे कि हमारा इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे और इतने हम वीडियो डाल लेंगे। वैसे वीडियो इतने दिन से बनाते हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पाते थे। सोचते थे क्या बोलें, कैसे डालें। अब धीरे धीरे डालते डालते कुछ हो गया है। देखिए पीछे से सब एकदम कबाड़े की तरह दिख रहा है। इधर देखिए अलमारी में बुक रखा हुआ है, सब किचन का सामान है। इधर देखिए 2 तख्त है, 4 पाई है। नीचे देखिए गैस वैस बर्तन वर्तन सब वैसे पड़ा है। बैग देखिए धुल के टांगे हैं वहाँ से, सुबह में सूख गया है, उसको हटाना है। वहाँ से आने के बाद खाना नहीं बनाने का मन करता है, मन करता है सिर्फ सो जाएं, ना तो बनाएं ना तो खाएं। तो तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, लेकिन इस समय ठीक है, कुछ पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है। अब आराम लग रहा है, नहीं तो चलने का भी मन नहीं करता था। जैसे पता नहीं क्या हो गया था, जैसे पूरे शरीर में कंपन हो रहा था। ग्लूकोज चढ़ा, इंजेक्शन लगा, दवा बहुत हुई, उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा आराम हुआ है। आज हमको काफ़ी आराम दिख रहा है, आज पैर में दर्द भी नहीं है उतना। तो पेपर भी आ गया है, पेपर देना है, तो उसके लिए भी अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा। सब छूट गया है, अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे थे, बस वैसे थोड़ा बहुत पढ़े हैं। तो किस किस का बिहार में स्टेट का पेपर है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पटना कौन कौन जा रहा है? तो फ्रेंड्स, हम पेपर देने जाएंगे, ज़रूर ब्लॉग बनाएंगे एक बिहार पटना का, और आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे वहाँ की सीन। तो हमारा पेपर 26 मई को है, वो 25 को यहाँ वोट पड़ेगा। तो सोच रहे हैं अपना एक अधिकार वोट दे के जाएँ, तो वहाँ जाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर वीडियो बना के दिखाएंगे वहाँ की सीन कैसे क्या है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। अगर हमारे वीडियो में कोई गलती हो रही है तो उसको माफ़ कीजिएगा, अपनी छोटी बेटी बहन समझ के। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, फिर मिलेंगे। अब जा रहे हैं, कुछ बनाएंगे, उसके बाद खा के तब सोएंगे, काफ़ी लेट हो गया है। गुड नाइट, बाय बाय।